लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। बॉलीवुड में हर साल कई फिल्में बनती है, जिनमें से कुछ ऐसी बेहतरीन फिल्मों की सफलता का पूरा श्रेय चाइल्ड आर्टिस्ट को जाता है। बॉलीवुड में सालों से बहुत से चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में अपने खास रोल की वजह से सालों तक दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना लेते हैं। इंडस्ट्री में कुछ ऐसे चाइल्ड आर्टिस्ट हैं जो अब काफी बड़े हो चुके हैं और अपने नए लुक की वजह से खासा चर्चा में है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बॉलीवुड की एक ऐसी हिट फिल्म की चाइल्ड एक्ट्रेस के बारे में जो अब हो गई है काफी बड़ी और दिखने लगी है बेहद खूबसूरत। साल 2001 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म कभी खुशी कभी गम इंडस्ट्री की सफल फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर जैसे बड़े कलाकार थे, लेकिन हम बात कर रहे हैं करीना कपूर के बचपन का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस मालविका राज के बारे में जो अब हो गई है काफी बड़ी और दिखने लगी है बेहद खूबसूरत। मालविका अब बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग करती हैं और कई शोज में हिस्सा ले चुकी हैं। मालविका की स्पोर्ट्स में भी काफी दिलचस्पी है और वो नेशनल फुटबॉल प्लेयर रह चुकी हैं। वही साल 2010 में मालविका मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भी भाग ले चुकी हैं। मालविका के पिता बॉबी राज बॉलीवुड फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर हैं, वही इनकी मां का नाम रीना राज है। मालविका ने अपनी पहली तेलुगु फिल्म एक्टर जयदेव के साथ की थी। वही उन्होंने बॉलीवुड में नौकर बीवी का, अधर्म, थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक, चार दिन की चांदनी जैसी फिल्मों में काम किया है। बचपन में अपनी क्यूटनेस से सबको अपना दीवाना बनाने वाली मालविका अब काफी बड़ी हो चुकी है, वही दिखने लगी है बेहद खूबसूरत। मालविका की खूबसूरती देख बड़ी बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस को कॉम्प्लेक्स हो जाए, मालविका की खूबसूरती के हर कोई उनका दीवाना हो जाता है। वही हम सब उम्मीद करते हैं कि मालविका बॉलीवुड में जल्द ही अपनी मासूमियत और खूबसूरत के जलवे बिखेरेगी।